السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون वक़ालन नबी सला वसमरा मुतफ़न आल महतरम नाजरीन कराम आज हम आपके सामने एक नहाय ही अहम मौजू ले करके आए हैं मौजू है औलाद के बारे में वाल की जिम्मेदारियाँ इस मौजू के अंदर मुख्तलफ़ नश्तों में इंस औलाद के बारे में औलाद के ताल्लुक से वालिद की एक बाप की एक फ़ादर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं उसके क्या क्या हकूक़ हैं क्या फ़राइज हैं क्या वाजिबात हैं इन तमाम चीज़ों को इंशाअल्लाह मुख्तलिफ निशस्तों में तफसील के साथ बयान किया जाएगा नजरिन कराम मगरबी तहजीब ने इंसानी समाज व माशरे के अंदर एक मादा परस्ताना रुझान पैदा कर दिया है जिसकी वजह से तमाम रिश्तेदारियां बिल्कुल नापैद हैं तमाम रिश्तेदारियां बिल्कुल ख़त्म होने के दरपे हैं हती कि एक बाप और उसकी औलाद के ताल्लुक से भी दूरियां हैं एक बाप और उसके औलाद के ताल्लुक़ से जो मोहब्बत पैदा होनी चाहिए उन दोनों के दरमियान जो जज्बे खलूस होना चाहिए उन दोनों के दरमियान जो अहतराम होना चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं या खत्म होने के दरपे हैं इसीलिए मगरबी तहजीब जाहरी तौर पर खुश मंज़र मालूम होने के अंदरूनी तौर पर वो ऐसी है कि उसकी बुनियादें बिल्कुल खोखली हो चुकी हैं इसके बरक्स इस्लामी शरीयत की नुमाया खूसियत ये है कि उसके अंदर हर एक के हकूक फ़रज़ को तफसील के साथ मुकम्मल तौर पर बयान कर दिया गया है इस्लामी शरीयत के अंदर ये भी बयान कर दिया गया है कि एक बाप के ऊपर उसकी औलाद के तल्ल से क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं एक माँ के ऊपर उसकी औलाद के तल्ल से क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं एक बच्चे के ऊपर उसके वालदे के ताल्लुक से क्या जिम्मेदारियां हैं एक शागिर्द के ऊपर उसके उस्ताद के ताल्लुक से एक रियाया के ऊपर उसके उमरा और उसके हुकमा और उसके रूसा के ताल्लुक से क्या जिम्मेदारियां हैं तमाम की तमाम चीज़ों को शरीयत इस्लामिया ने मुकम्मल तौर पर बयान कर दिया गया है ये जो हमारा मौजू या हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम तफसील के साथ वालिद की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं जिम्मेदारियाँ, तालीम की जिम्मेदारियाँ, अखलाक़ी जिम्मेदारियाँ, मुआशरती जिम्मेदारियाँ और वालिद के ऊपर उसकी औलाद के ताल्लुक से और क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं शादी होने से पहले शादी होने के बाद में इन तमाम िमेदारियों को इनशा तफ़ील के साथ बयान किया जाएगा आज की नशस्त में आइए हम आपके सामने ये बयान करते हैं कि जिम्मेदारी क्या है और इसको अंजाम ना देने की सूरत में आपको क्या खसारा और क्या नुकसान दुनिया और आखरत में उठाना पड़ेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया या अनफुसकुम व फ़रमायादी शिदाद लमरुम वालू नयर अल्लाह नबालमिन ने कहा ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन जिसकी लकड़ी इंसान और पत्थर हैं जिसके ऊपर ऐसे सख्त दिल मजबूत फरिश्ते मुकर किए गए हैं जो अपने रब के हुक्म की मुकम्मल तरीके से पासदारी करते हैं अपने रब के हुक्म को मुकम्मल तौर पर बजा लाते हैं और उसकी जर्रा बराबर भी नाफरमानी नहीं करते नजरन कलम आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं इस आयत करीमा से कि एक शख्स अपने आप को जहन्नम की आग से कैसे बचा सकता है और अपनी अहलोल को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से कैसे बचा सकता है ज़ाहिर सी बात है एक शख्स अपने आप को आमाल साल के ज़रिए से नेक काम के जरिए से अपने बच्चों को और अपने आप को सही तरीके पर ला करके वो अपने आप को और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचा सकता है एक शख्स अगर जी तौर पर नेक है एक शख्स अगर जतीी तौर पर आमाल साल का खोगर है आमाल साल करता है और उसी के नहज पर अपनी अहल आयाल की अपनी औलाद की तरबियत करता है तो समाज को साल अफराद मिलेंगे समाज को अच्छे लोग मिलेंगे समाज के अंदर सुधार आएगा समाज के अंदर खैर भलाई और शरीयत की तालीम आम होगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले इस आयत क़रीमा के अंदर ये कहा है कि एक शख़्स अपने आप को जहन्नम की आग से बचाए जहन्नम सी आग से बचाने में जहाँ बहुत सी चीज़ें कारफरमा हैं जहाँ बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है वहीं एक चीज़ की ज़रूरत यह भी है कि एक इंसान के ऊपर जो भी ज़िम्मेदारियाँ आयद की गई हैं जो भी ज़िम्मेदारियाँ उसके ऊपर लागू की गई हैं वो जिन जिन ज़िम्मेदारियों का मुकल्लफ बनाया गया है उसे चाहिए कि वो इन जिम्मेदारियों को अदा करे अगर वो हाकिम है तो रियाया के ताल्लुक से अगर वो उस्ताद है तो अपने शागिर्दों के तल्ल से अगर वो बाप है तो अपनी औलाद के तल्ल से अगर वो शौहर है तो अपनी बीवी के तल्ल से अगर वह मुरबी है तो जिनकी वो तरबियत कर रहा है उसके ताल्लुक़ से उसके ऊपर जो भी ज़िम्मेदारियाँ आयद की गई हैं उसको मुकम्मल तरीके से वो अदा करे एक इंसान इस दुनिया के अंदर किसी न किसी तरीके से ज़िम्मेदार होता है और उसके ऊपर कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद की गई होती हैं एक हदीस के अंदर जिसके रावी अब्दुल्ला बिनुमर रज़ी अल्लाह तुमा हैं अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने बयान फ़रमाया अलाकुलकुमराय वकुलकूम मसूल रईयती सुनो खबरदार आगा हो जाओ अल्लाह के नबी सल्लाम ने यहाँ अला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ये तमबीह करने के लिए आता है अभी ज़ुबान के अंदर ख़बरदार करने के लिए आता है कोई शख्स अगर गाफिल हो तो उसको गफलत से दूर करने के लिए आता है अल्लाह के नबी सल्ला वसलम ने कहा अला कुलम रन वकुलकूम मसूल रईयती खबरदार सुनो आगा हो जाओ तुम में का हर शख़्स ज़िम्मेदार है और कल कयामत के रोज़ उससे उसकी ज़िम्मेदारी के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर कुछ लोगों की ज़िम्मेदारियाँ बयान की हैं अल्लाह के नबी ने कहा कि फल इमाम अल्लदी अलन्ना से रायन वह मसौलती एक इमाम जो होता है एक पेशवा जो होता है एक हाकिम जो होता है एक रईस जो होता है क़यामत के दिन के अंदर अल्लाह आलमीन ने उसको किन किन लोगों की जिम्मेदारियां सौंपी थीं किन किन लोगों की जिम्मेदारियां उसके हवाले की थी कल कयामत के दिन के अंदर उससे बाज़ की जाएगी उससे सवाल किया जाएगा उसको एक एक चीज़ का हिसाब अल्लाह आलमीन के सामने देना होगा अल्लाह के नबी हदीस के अगले तो में फरमाते हैं कि एक शख्स अपने घर का जिम्मेदार है और उससे उसके अहलो आयाल के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा एक शख्स अपने घर का जिम्मेदार है घर का जिम्मेदार एक बाप होता है अमूमी तौर पर बाप ने अपनी औलाद की किस तरह तरबियत की बाप ने अपनी औलाद की तरबियत किन खतूत पर की बाप ने अपनी औलाद के ताल्लुक से उसके ऊपर जो जो जिम्मेदारियां आयद की गई थी क्या उसको उसने अदा किया कि नहीं अदा किया कल क़्यामत के रोज़ उस ताल्लुक से उससे सवाल किया जाएगा आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया वायत मसूलतुन अनहुम अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि घर की खातून एक शख्स की बीवी बच्चों की माँ अपने घर के अंदर अपने शौहर के माल अपनी इज्जत आबरू अपने शौहर के बच्चों की निगरा है उसके ज़िम्मेदार बनाई गई है शरीयत ने शौहर की गैर मौजूदगी में औरत को घर का ज़िम्मेदार बनाया है कल क़यामत के दिन उस बीवी से उस खातून से उस औरत से अल्लाह रब्बुल रबीन सवाल करेगा कि तेरे ऊपर जो ज़िम्मेदारियाँ आयद की गई थी क्या तूने तो अदा किया कि नहीं अदा किया इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्हलम ने हदीस के अगले टुकड़े में बयान फरमाया कि एक ग़ुलाम एक बंदा अपने आका का अपने मौला के माल का जिम्मेदार है कल क़यामत के दिन उससे उसके जिम्मेदारी के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा आगे हदीस के आखिरी टुकड़े में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सल्हसम बयान फरमाते हैं Celsius अला फकुलकुमरा वुलकुमस खबरदार आगा हो जाओ तुम का हर शख्स ज़िम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के तल्ल से कल क़्यामत के रोज़ सवाल किया जाएगा नजरे ने यहाँ पर कोई शख़्स एक सवाल कर सकता है पूछ सकता है कि एक शख्स के ज़ैर तरबियत एक शख्स की ज़ैर निगरानी अगर कोई ना हो उसे किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी ना सौंपी गई हो तो फिर उससे किसका सवाल किया जाएगा तो उसका जवाब यह है अगर किसी के ज़ैर तरबियत किसी की मातहती में किसी के ताबे अगर किसी को नहीं बनाया गया है तो वो अपने नफ्स का ज़िम्मेदार है अपने हाथ का ज़िम्मेदार है अपने बॉडी के पार्ट्स का ज़िम्मेदार है क़यामत के दिन उससे उसके ताल्लुक़ से सवाल किया जाएगा उसने अपनी ज़ुबान को कहाँ इस्तेमाल किया झूठ में इस्तेमाल किया या सच्चाई में इस्तेमाल किया अपने क़दमों से नेकी की तरफ पेश कदमी की या बुराई की तरफ पेश कदमी की अपने कानों से उसने सच बात सुनी या झूठ बात सुनी शरीयत की बात सुनी या गैर शरीय अहकाम सुने इन तमाम चीज़ों के ताल्लुक से कल क़यामत के दिन उससे सवाल किया जाएगा अल्लाह रब्लम क़ुरान करीम में इरशाद फरमाता है वकीफो हम इन लोगों को पकड़ लो लोगों को रोक लो ये लोग अभी पूछे जाने वाले हैं इन लोगों से अभी सवाल किया जाने वाला है एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ताल्लुक़ से उससे सवाल किया जाएगा अल्लाह के नबी बयान फ़रमाते हैं लतज़ोलोद आदमी कि कि के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास से इब्न आदम के कदम हिलेंगे नहीं हरकत नहीं करेंगे वहाँ से हिल नहीं पाएंगे जब तक कि उससे पांच चीज़ों के ताल्लुक़ से सवाल ना किया जाए अन उम्र ही फ़ीमा अफना उससे उसकी ज़िंदगी के बारे में सवाल किया जाएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें इतनी कीमती ज़िंदगी दी थी तुमने अपनी ज़िंदगी को क्या किया कहाँ पर तुमने अपनी ज़िंदगी को गुजारा उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अन वन शबा बीमा अबला कहा जाता है जवानी दीवानी होती है जवानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ़ से एक नेमत है जिस तरह ज़िंदगी एक नेमत है उसी तरीके से जवानी उन नेमतों में भरपूर नेमत है बड़ी नेमत है अल्लाह रबूबिन पूछेगा हमने तुमको जवानी दी थी जवानी की एक उम्र होती है एक ख़ास पीरियड होता है एक ख़ास वक्फा होता है जिसके अंदर जिसम के अज़ा ताकतवर और मजबूत होते हैं जिसके अंदर खून गर्म होता है इंसान उसके अंदर बहुत सी नेकियों को कर सकता है जो वो बुढ़ापे में नहीं कर सकता अल्लाह रबूब उससे पूछेगा तूने अपनी जवानी को कहाँ गंवाया उससे पूछा जाएगा उसके माल के बारे में कि तुमने अपने माल को कहाँ ख़र्च किया और उसका सोर्स क्या था तुमने तो अपने, अपने माल को कमाया कहाँ से तुमने तो अपने, अपने माल को कहाँ से कमाया कमाई का तुम्हारा क्या ज़रिया था क्या कमाई का ज़रिया अच्छा था हलाल था या कमाई का ज़रिया हलाल नहीं था इसी तरीके से उससे पूछा जाएगा कि उसके इल्म के ताल्लुक से पूछा जाएगा कि उसने अपने इल्म पर जितना उसने इल्म सीखा जितना अल्लाह रब्बुल रबालमीन ने अपने फ़जल से उसे इल्म दिया उस इल्म के ताल्लुक से उसने कितना अमल किया तो नाजरीन कराम इस हदीस से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक शख्स के उसके ज़ाती अहवाल उसके पर्सनल हालात से अल्लाह रब्लमी कयामत के दिन बाखबर होना चाहेगा उसके ज़ाती अहवाल के बारे में सवाल करेगा तो क्या जो चीज़ें दूसरों से रिलेटेड हैं जो चीज़ें दूसरों से ताल्लुक रखती हैं क्या उन चीज़ों के बारे में अल्लाह सवाल नहीं करेगा ज़रूर सवाल करेगा अल्लाह रब्बुल रब्लम क्योंकि अल्लाह रब्बुल रब्लम जिस तरह बंदे से उसके ज़ाती अहवाल के तल्ल से सवाल करेगा उसी तरीके से ये भी सवाल करेगा कि जो जो ज़िम्मेदारियाँ तुम्हें आयत की गई थी उन जिम्मेदारियों को तुमने अदा किया कि नहीं अदा किया इसी तरीके से ये जानना चाहिए कि जिम्मेदारी एक अमानत है ज़िम्मेदारी एक अमानत है और ये अमानत को अदा करना मोमिन की सिफात में से है अल्लाह रबालमिन ने कुरान करीम में बयान फ़रमाया वलिन अमानती म ममिन वो हैं जो अपने अमानत की पासदारी करते हैं अपने अमानत की वो देखभाल करते हैं अपने अमानत को अदा करते हैं तो ममिन की सिफात में से ये है कि वो अमानत में खयानत नहीं करते अमानत को अदा करते हैं अमानत दारी को मुकम्मल तरीके से उसके हकदारों तक पहुंचाते हैं इसी तरीके से ये भी एक इंसान को जानना चाहिए कि किसी भी अमानत को अदा करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है या किसी भी ज़िम्मेदारी को अदा करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है एक तो उसके अंदर मुकम्मल तरीक़े से अमानत दारी हो दूसरे उसके अंदर उस चीज़ को अदा करने की ताकत हो हज़रत के ताल्लुक़ से अल्लाह रबिन ने कुरान करीम में बयान फरमाया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से भाग करके मदियन में आए और वहाँ पर दो लड़कियाँ खड़ी हुई थी जो लोगों से दूर थीं उनके जानवरों को पानी पिलाने के बाद में एक दरख्त के नीचे खड़े हो गए एक लड़की जब अपने घर जाती है वहाँ से वापस आती है और कहती है कि हमारे अब्बा जान ने आपको बुलाया है तो मूल जाते हैं और अपनी पूरी दास्तान उस शख़्स के पास बयान करते हैं उसके बाद एक खातून अपने बाप से कहती है इन खैर मन जर तलकवियमीन किए अब्बा जान आप इन्हें नौकर रख लीजिए आप इन्हें मुलाजिम रख लीजिए इसलिए कि सबसे बेहतरीन मुलाजिम वो होता है सबसे अच्छा मुलाजिम वो होता है सबसे अच्छा खिदमत करने वाला वो होता है जिसके अंदर अमानत हो और जिसके अंदर उस काम को अदा करने की सलाहियत हो तो मालूम यह हुआ इस आयत करीमा से कि एक शख्स को अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करने में अमानत का लिहाज रखना चाहिए और पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि उस जिम्मेदारी को वो अदा करे लेकिन अगर कोई शख्स अपनी ज़िम्मेदारी को अदा नहीं करता है तो उसका क्या अंजाम होगा उसका क्या हश्र होगा जैसे कि हमने आपके सामने बयान किया कि ये जिम्मेदारी जो होती है एक तरह की अमानत है अब ज़र्रजील तहों ने नबी करीम अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी आप मुझे कुछ चीज़ों का ज़िम्मेदार बना दीजिए नबी करीम अलैहि वसल्लम ने कहा अबू जर अय अबू जर ये ज़िम्मेदारी कोई आम बात नहीं है बल्कि ये अमानत है वह का काफ़ और तुम कमज़ोर हो तुम उसकी ताकत नहीं रखते हो इसलिए कि जिसने किसी अमानत को लिया किसी ज़िम्मेदारी को लिया उसको अदा ना कर पाया तो कल क़यामत के दिन के अंदर ये ज़िम्मेदारी उसके ऊपर वबाल बन जाएगी इल्ला ये कि वो उसे सही तरीके से अदा करे तो नजरने कराम मालूम ये हुआ कि ये ज़िम्मेदारी एक अमानत है और अमानत में ख़यानत करना यह मुनाफ़िक़ीन की सिफत होती है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने बयान फ़रमाया कि आया तोमनाफिक सलासा हद दजबा वहीदा वाह अखलफा वहीद तुमना खाना मुनाफिक की तीन अलामतें हैं पहली पहलीत यह है कि जब बात करे तो झूठ बोले जब वादा करे तो वफा ना करे जब कोई अमानत उसको दी जाए तो अमानत में ख़यत करे मालूम ये हुआ कि ज़िम्मेदारी को अदा न करना अमानत को अदा ना करना है और जो अमानत को अदा नहीं करेगा उसके अंदर मुनाफिकीन की ये सिफत पाई जाएगी तो नजरिन कराम आज के इस नशस्त में हमें ये मालूम हुआ कि ज़िम्मेदारी एक अमानत है वो ज़िम्मेदारी किसी भी ताल्लुक़ से हो किसी भी चीज़ से मुंसलिक हो एक अमानत होती है अगर हम उसको अदा नहीं करेंगे तो दुनिया में भी हमें नुक़सान उठाना पड़ेगा आख़रत में भी हमें नुक़सान उठाना पड़ेगा लिहाजा हमें चाहिए कि हमारे ऊपर जो भी ज़िम्मेदारियाँ आए की गई हैं हम उनको मुकम्मल तरीक़े से अदा करें आज के इस नशस्त में इसी बात पर हम इतफ़ा करते हैं इन श बातों के साथ अगले लशिस्त में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे अल्लाम व बरकातहू